छात्र मंच पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा पर मुझसे डी सर खड़े हुए हैं। शांति ढंग से अपनी जो समस्याओं को लेके आए हैं, छात्रों की सवालों को लेके आए हैं, उसको यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने रखेंगे, ठीक है? पुलिस वाले हमारे समर्थन के लिए आए हैं, कोई इनसे धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है? आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके दुर्ग जिले में ऐसे निष्क्रिय विश्वविद्यालय है, सभी ताली बजाएंगे इनके लिए। और आपको दूसरी सबसे बड़ी बधाई कि इस निष्क्रिय विश्वविद्यालय के सभी आला अधिकारी कौन है, ठीक है? तो हम आपसे आज ये सबसे पहले यह मांग करते हैं, या तो इस विश्वविद्यालय को बंद कर दीजिए, या तो इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों का तबादला करिए, यहाँ पर नए अधिकारी चाहिए हम, ठीक है? क्या है, क्या है, दुर्ग शहर में रहने के बावजूद 100 बार यहाँ आने से अच्छा एक बार हम लोग रविशंकर विश्वविद्यालय जाना पसंद करेंगे, ठीक है? कम से कम 2016 के पहले ऐसी निष्क्रियता तो नहीं होती थी ना, प्रवेश परीक्षा परिणाम तीनों में कोई धांधली होती थी क्या? हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, फोन उठा के साइड में रख देते, कोई अटेंड ही नहीं है इनके पास, है ना? आपको हर एक मांग पढ़ के बताएंगे हम लोग, आप सुनिए। प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों में लचर व्यवस्था है, एक पैसे का इनका कंट्रोल नहीं है, है ना? प्रवेश अभी भी कौन जो साइंस कॉलेज में जाके देख लिए, झोलादारी घूम रहे हैं, बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं एडमिशन कराने का। नहीं, 2 साल से चल रहा है ये सब। दूसरा, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा, परीक्षा अभी रिजल्ट कितनों का भी थेल में रे, उसके बाद पूरक परीक्षा का डेट निकल गया 4 दिन पहले, अब उसका जिसका छात्र का आज रिजल्ट आएगा वो कैसे सप्लीमेंट्री का एग्जाम देगा? तब तो उनको याद नहीं आता कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी कर लें, इनको रिजल्ट देते टाइम याद आ रहा है ना? तीसरा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, इसका क्रियान्वयन पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1500 महाविद्यालय आते हैं जो कि संपूर्ण दुर्ग जिले में है, एक में भी आप चलिए हमको दिखा दीजिए अभी कि NEP का पूर्ण क्रियान्वयन हो रहा हो, ना छात्रों के कॉमन रूम की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है इस कॉलेजेस में, ना ढंग से क्लास लग रही है, किसी चीज़ का मतलब कंट्रोल है ही नहीं, सब ऐसे ही छोड़ दिए, भेड़ बकरी है कह रहे हम लोग।
अपन लेने के लिए आए हुए हैं। सर आप बात कीजिए ना, आप नहीं ना सर भाई, सर सुने ना, आप आएंगे अपन लेने के लिए, तो आप जवाब दाइए तो आप बोलेंगे ना सर। सर सर आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? नहीं मैं सर सर बात नहीं मान रहे हैं सर, क्या है अभी आप आए हो ना, आप आए हो तो सर आप सब बोलना क्या है, जो जो पॉइंट दिए उसी पर हो गया ना। ज्ञापन 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 दिया गया है मुझे, मैं ज्ञापन को संबंध वहाँ पहुँचा कर समस्याओं का निराकरण करा। क्या लगता है प्रबंधन द्वारा अनियमितता हुआ है तब ये विरोध विरोध करने नहीं? इसको इसको मैं नहीं बता रहा, जो मांगे हुई सर क्या लगता है समझ में आएगा पूरी होगी उनकी? मैं अभी ज्ञापन भर दिया हूँ। आपका नाम बताओ? ढाल सिंह बिशन नैब तहसीलदार दुर्ग। तो भाई आज का जो कार्यक्रम था, लोग मांगे थी कुछ, उसके बारे में स्टार्टिंग से। मैं ऋतुराज सोनी हिंदू युवा छात्र मंच का कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से 2016 में दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कि दुर्ग की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए, महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, पर आज 7 वर्ष हो गए उसमें 0% का भी सुधार नहीं आया है। जिस गत में 2016 में महाविद्यालय था उसी गत पे अभी निरंतर चला जा रहा है। आज की तारीख में भी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा प्रवेश और परिणाम संबंधी कई ऐसे बहुत सारी समस्याएं अनियमितता उत्पन्न हो रही है, जिसके विरुद्ध में हम सभी हिंदू युवा छात्र मंच के कार्यकर्ता और 10 से भी अधिक महाविद्यालय के छात्र HYCM के बैनर तले आज इस कार्यक्रम को किया। इससे पहले भी ज्ञापन तो दे चुके थे? हाँ, हम निरंतर जब जब हमारे संज्ञान में ऐसा मामला आता है हम उसके लिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ज्ञापन देने के बाद क्या? ज्ञापन देने के बाद सिर्फ इनका काम यही रह गया कि आश्वासन देते हम इस पर कार्य करेंगे और उस पर 0। तो अभी आप लोग ज्ञापन दिए तो क्या बोले आश्वासन में? अभी तो इतनी निष्क्रियता है कि कुलपति मैम बाहर तक के नहीं आए। हाँ हाँ, मतलब उनका निष्क्रियपना देखिए कि दुर्ग विश्वविद्यालय से एक अधिकारी, कोई एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो बाहर आया है। हाँ हाँ, सबके सब अंदर एसी वाले कमरों में बैठे हम छात्र बाहर बारिश में अपना आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और तहसीलदार आ रहे हैं हमसे ज्ञापन लेने के लिए। अगर मान लो कि मांगे पूरी नहीं होती, इसी हिसाब से आप लोग पूरे छात्र छात्राएं पूरा प्रदर्शन किए, उसके बाद क्या निर्णय क्या है? आप अभी माहौल देख रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो आप ये समझ जाइए हम हल्ला बोल का कार्यक्रम रखे थे और एक छात्रों की भविष्य की अर्थी जलाए। हाँ हाँ, जो कि काम विश्वविद्यालय ने किया है। हाँ हाँ, हम इसका सांकेतिक प्रदर्शन करने गए थे। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से हमने क्या बोलते छात्रों की अर्थी का वहाँ पर दहन किया है। हाँ, उनको मुखाग्नि दी है। हाँ, और ऐसा जरूरत पड़े तो हम दुर्ग विश्वविद्यालय के भी अर्थी निकाल सकते हैं।